फिरोजाबाद में एक युवती ने वीडियो वायरल की धमकी देकर दो युवकों पर रेप करने का आरोप लगाया है। महिला ने इसकी लिखित शिकायत थाने में दी। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पूरा मामला फिरोजाबाद के थाना नारकी क्षेत्र के एक गांव का है, जहां युवती घर में अकेली थी। तभी गांव के ही रहने वाला युवक युवती को उसकी मां के बुलाने की कहकर खेत पर ले गया, जहां युवक ने युवती के साथ जबरन दुष्कर्म किया और साथ ही युवक ने वीडियो बना लिया। मुझे उसने वहां से बुलाया था, फिर मेरी वीडियो बनाई थी, मुझे ब्लैकमेल किया था और उसके बाद मुझे रोज ब्लैकमेल करने लगा, मेरे साथ बलात्कार किया। उसने मुझे ब्लैकमेल करने लगा वीडियो वायरल करके साथ सारी तरह। घटना के बाद युवक आए दिन वीडियो वायरल की धमकी देकर दो तीन दिन तक दुष्कर्म करता रहा। बाद में वीडियो को वायरल कर दिया। इसकी जानकारी परिजनों को ग्रामीणों ने दी। जानकारी मिलने के बाद परिजन युवती को लेकर थाने पहुंचे, जहां उन्होंने घटना की लिखित शिकायत दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम गठित कर दी गई है। फिलहाल आरोपी घटना को अंजाम देकर अभी फरार है। ग्राम मोइनुद्दीनपुर थाना नारखी में पीड़िता द्वारा एक वीडियो वायरल करने की धमकी देके उसके साथ बलात्संग करने का एक तहरीर दी गई है। उस तहरीर पे तत्काल मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है और आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए टीम गठित करके और रवाना कर दिया गया है। पीड़िता को मेडिकल के लिए तत्काल भेजा गया है और आवश्यक विधि कार्रवाई करके शीघ्र ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मिशन शक्ति और बेटी बचाओ जैसे अभियानों को गति देने वाले राज्य सरकार के लिए ऐसी घटनाएं कलंक के बराबर हैं, लेकिन ये भी निर्भर करता है कि फिरोजाबाद पुलिस कितनी जल्दी इस पीड़ित युवती को न्याय दिलवा पाए और आरोपियों को जेल के अंदर कर पाए। द पंचौरा न्यूज के लिए फिरोजाबाद से अमन जैन की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।